बात कर रहे हैं हरियाणा की। हरियाणा में आग किसने लगाई और अब कार्रवाई क्या की जाए? दीप कमल, तत्काल सरकार को क्या करना चाहिए? तो देखिए, जो 125 लोगों के खिलाफ FIR हो चुकी है, उनको जल्दी से जल्दी, जितने लोग और बाहर हैं उनको अंदर करें। और शांति वार्ता निरंतर 3 दिन से चल रही है। एक बात मैं आपके माध्यम से पूरे देश में, क्योंकि सिर्फ नूह की बात नहीं है, धर्म का मामला तो पूरे देश में ही है। हमारे यहाँ जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो परसों की हैं, अब से 2 दिन पहले की हैं। कल और आज के दिन नूह में, गुड़गांव में, हरियाणा में कहीं पर भी ऐसी कोई घटना हुई है, कोई घटना ऐसी नहीं हुई है, तो कोई भी इन चीजों से आज उत्तेजित ना हो, ये ठीक है। ये दुर्भाग्यपूर्ण चीजें हैं हमारे यहाँ पे, पर अब तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए रोहन? बिल्कुल तत्काल। एक पहली बात तो संदीप जी, सरकार को जिम्मेदारी का स्वीकार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। अगर वो कहते हैं कि साजिश है, तो साजिश को कंट्रोल करने में क्यों नाकाम रहे? जनता से माफी मांगनी चाहिए और ऐसे प्रकार की घटनाएं ना हो, जनता को एक मैसेज देना चाहिए कि हमारी नियत में खोट नहीं है। वो संदेश क्या होगा? यशवर्धन आजाद, प्लीज 15 सेकंड, क्या होगा वो संदेश? या होना चाहिए तत्काल गिरफ्तारियां होनी चाहिए और सरकार को सारे इंडस्ट्रीज को बुला के कहना चाहिए कि पीस अब है और आप अपनी इंडस्ट्रीज लगाएं उन्मुक्त होकर, ताकि लोगों में यह विश्वास जागे। और ये सबको बताना चाहिए कि भोलू पहलवान और उनके जो दोस्त हैं बिट्टू, उनकी गिरफ्तारी करके राजस्थान पुलिस को भेज देना चाहिए। तो सरकार इकबाल पर चलती है, भरोसा जिसे हम कहते हैं। हमारे एक दर्शक ने भी अपना सुझाव भेजा है और वो मिलता जुलता सुझाव है जो मेरे मेहमानों ने भी दिया। रमेश कपूर हैं चंडीगढ़ के, जो गुनहगार हैं उन्हें जल्द पकड़ो, ये जाहिर सी बात है। और सरकार अपनी नाकामी स्वीकार करे, ये साजिश षड्यंत्र के एंगल ना तलाशे, भाईचारा बना रहे इसी उम्मीद के साथ। आज सीधा सवाल में इतना ही, नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।